ये रायबरेली शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर रसूलपुर गांव है। हमने यहां के लोगों से बात की, जानना चाहा कि उनके दिल में क्या है। कि राहुल गांधी यहाँ है तो आपको, आपके लिए सही है या फिर प्रियंका? ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं तो ठीक है। लेकिन प्रियंका गांधी की उम्मीद नहीं थी? अरे उन्होंने बहनों भा तो आए। अच्छा। हाँ, दो जन में जहाँ जो को खड़ा हुए। अच्छा। वोट हम से दिया पर सोनिया गांधी करीन जब तक करीन। अच्छा। अब वही फिर करे तो फिर बढ़िया है। अच्छा। बढ़िया से बढ़िया बनाई है तो सब जनता सबको वोट पोट सबको दे, बार बार सबको जिता दिया था तो मने गरीबन का तो ऐसे सर एक परेशान की है वो। अच्छा। बड़का छोटका सबको परेशान, मतलब को कैसे कही। पहले से लगा हुआ है जुड़ाव पूरा कांग्रेस परिवार से है, गांधी परिवार से विशेष तौर पर, और मान के चलो पूरा गांव तरफ रही कांग्रेस से परिवार में रही। अच्छा। भाजपा की लहर चल रही है पूरे देश में एक तरीके से, इतनी ज्यादा सीटें हैं, इस बार तो उन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है। उसका असर यहाँ पे नहीं होता क्या? राम मंदिर का, ट्रिपल तलाक का, इतने मुद्दे उठते हैं तब तो 400 पार है। जब वही वोट डाल रहे हैं अपने हाथ, वोट तो हम डाल रहे ना, वही 400 पार कैसे हो गए? पहले कैसे हो गए? कहाँ से लाए राम? तो पहले से आए रहा है, ये कहाँ लाए हैं? कहाँ राम? कोई इस गांव को राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार से लगाव है। अच्छा। गांधी सर ने मैटर करता जी है, वो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका जी हो, उस परिवार से इस गांव का लगाव है, गांधी परिवार से। इसलिए कि अभी तक रायबरेली में जो कुछ हुआ या हमारे गाँव में जो कुछ हुआ, वो सब गांधी परिवार की देन है। लाइट बिजली और जो पंख ये सब आया तो कौन लाया पहले से? क्या बिल्कुल कांग्रेस लाई। जैसे हमारे यहाँ रेलवे कोच है, एम्स है, ये और बीच बने हैं हर एक क्रॉसिंग पर, ये सोनिया गांधी की देन है। शहर के दूसरे छोर पर डिडोली गांव है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं ये भी जानने की कोशिश की। पूरा भाजपा सपोर्टर है उनका, विकास जो है, विकास को ऊपर सारा गाँव है, अमन विकास कर रहे हैं पूरी दुनिया का, और यहाँ का भी विकास बहुत हो रहा है। कांग्रेस की नीतियाँ कुछ थी वो नहीं इस ग्राम सभा में समझ में आती थी। हिंदुत्व का मुद्दा हुआ, अन्य मुद्दे हुए, विकास का मुद्दा हुआ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था विकास कैसे हो रहा है। गढ़ जरूर था रायबरेली, तो हम लोग शुरू से जो है भाजपा में हैं, वो भाजपा में रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी बिल्कुल जीतेगी सर। देखिए जहाँ पर आप बैठे हुए हो, ये टीन सेट आपके सामने, आप देखो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, पूरा गाँव हमारा अच्छा है। जो हमारे गाँव के प्रधान जी हैं राजकुमार सिंह, उनके माध्यम से, बीजेपी के सहयोग से पूरा अच्छा खासा, दिनेश प्रताप सिंह के सहयोग से पूरा बढ़िया गांव हमारा अच्छा है, विकसित है, विकासशील है। क्या लगता है आपको, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ इस गांव से? भैया हम मोदी के चाहित है। अच्छा। मोदी के अलावा और को समझ में नहीं आवत। ऐसा क्यों, मोदी क्यों? अरे मोदी अच्छे हैं, मोदी बुजुर्ग आदमी हैं, वो सब समझते हैं। जौनी गुंडा लोग गुंडाई करा थी उसे तो सच्चा माह में नहीं, मोदी योगी से मोदी आवे है, ठीक है, मोदी इनका वोट दे। और कमल तो ऐसे भी जब खिलता है तो बहुत अच्छा खिलता है, चाहे भले ही कीचड़ में रहता है मगर जब खिलता है तो उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। तो उसी तरह मोदी और योगी जो किया है, राम मंदिर नहीं बनी थी अयोध्या में, जब से राम मंदिर बन गई उसी वजह से जनता और उनके ऊपर फिदा हो चुकी है कि मेरे हिंदू धर्म में राम मंदिर नहीं बनने पाती थी और राम मंदिर बन चुकी है मोदी योगी के राज में। और गरीब जनताओं के लिए इतनी सुविधाएं कर दिया, लाइट है, कॉलोनी है, पानी है, बिजली है, गैस है, और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब जो दिए हैं किसकी, सब उन्हीं कृपा से, तो बीजेपी के तो। और जो नेता कुर्सी पाते हैं, आज पाएं कल भूल गए।